हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं जो प्रॉब्लम हमारे एरे डेटा स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि हमको पीक एलिमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पीक एलिमेंट क्या होता है, आइए इसको हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एन एलिमेंट इज कॉल्ड अ पीक एलिमेंट इफ इट्स वैल्यू इज नॉट स्मॉलर देन द वैल्यू ऑफ इट्स एडजेसेंट एलिमेंट। मतलब पीक एलिमेंट वैसा एलिमेंट होता है जो ना कि जो ग्रेटर होता है अपने एडजेसेंट एलिमेंट से, ठीक है। मतलब एडजेसेंट एलिमेंट मतलब क्या, प्लस वन माइनस वन। लेट्स से अगर हम इस एरे में टू की बात करें ना, तो टू पीक एलिमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि टू के लेफ्ट साइड अगर आप देखो तो टू से छोटा एलिमेंट है, ठीक है। लेकिन टू पीक कब होगा, जब इसके दोनों एडजेसेंट साइड का जो एलिमेंट है वो छोटा होना चाहिए। लेकिन अगर हम थ्री टू के राइट साइड में देखें तो टू के राइट में है थ्री जो कि इससे ग्रेटर है, तो टू हमारा पीक एलिमेंट नहीं है, ठीक है। बट अगर हम थ्री को देखें ना, तो थ्री हमारा क्या है, पीक एलिमेंट है, क्योंकि इसके राइट साइड में कुछ है ही नहीं, राइट। ऐसे भी अगर सॉर्टेड एरे की बात करें ना, तो जो एलिमेंट लास्ट में है वो हमेशा पीक एलिमेंट होगा, ठीक। यही यहाँ पे कहा है, एन एलिमेंट इज कॉल्ड अ पीक एलिमेंट इफ इट्स वैल्यू इज नॉट स्मॉलर देन द वैल्यू ऑफ इट्स एडजेसेंट नोड, ठीक है। तो गिवन एन एरे ए आर आर ऑफ साइज एन, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ एनी ऑफ इट्स पीक एलिमेंट। मतलब इस एरे में एक से ज्यादा पीक एलिमेंट हो सकते हैं, हमको क्या रिटर्न करना है, किसी एक पीक एलिमेंट का इंडेक्स रिटर्न करना है, वैल्यू नहीं इंडेक्स रिटर्न करना, ठीक है। और नोट में क्या लिखा है, द जनरेटेड आउटपुट विल ऑलवेज बी वन इफ द इंडेक्स दैट यू रिटर्न इज करेक्ट। मतलब अगर हम सही इंडेक्स रिटर्न करेंगे ना, तो जो आउटपुट जो आउटपुट हमारा टेस्ट केस में गिवन होगा ना, वो वन आएगा। और अगर हम रॉन्ग इंडेक्स रिटर्न कर रहे हैं, उसके रिस्पेक्टिव जीरो हमारा आउटपुट आएगा, ठीक है। तो मेरा क्या अप्रोच है कि हम लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट कर लें, कहाँ से, एंडिंग से, स्टार्टिंग से नहीं, ठीक है। तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं इंट मैक्स, और इसका इनिशियल वैल्यू हम असाइन कर देते हैं इंट मिन, ठीक है। उसके बाद हम एक लूप चलाते हैं फॉर इंट आई असाइन जीरो, आई शुड बी लेस देन, अच्छा जीरो से नहीं स्टार्ट करेंगे हम, लास्ट एलिमेंट से इंसर्ट स्टार्ट करेंगे हमारा लूप। आई शुड बी ग्रेटर देन माइनस वन, आई माइनस माइनस। और इस फॉर लूप में हम क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल बना लेते हैं इंडेक्स नाम का, वो इंडेक्स क्या स्टोर करेगा, पीक एलिमेंट का इंडेक्स, ठीक है ना। तो फॉर लूप के अंदर हम एक कंडीशन लगाते हैं, यदि एरे ऑफ आई, अगर हमारा एरे ऑफ आई ग्रेटर है मैक्स से ना, हो गया भाई खत्म काम, इंडेक्स हमारा मिल गया हमको, इंडेक्स असाइन आई, और मैक्स में भी हम अपडेट कर देंगे मैक्स असाइन या फिर व्हाट आई कॉल इंडेक्स का, हाँ इंडेक्स का हमको नीड है और मैक्स का भी नीड है, ठीक है। मैक्स में असाइन कर देंगे एरे ऑफ आई, ठीक है। और ये फॉर लूप के एंड हो जाने के बाद हम क्या रिटर्न कर देंगे, आई विल रिटर्न नथिंग बट द इंडेक्स, क्योंकि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमको कहा है रिटर्न द इंडेक्स ऑफ वन ऑफ एनी ऑफ इट्स पीक एलिमेंट, कोई सा भी पीक एलिमेंट का इंडेक्स हमको रिटर्न करना है, ठीक है। कंपाइल करके देखते हैं, ओके। तो हमारा एक्सपेक्टेड भी था वन और आ भी रहा है वन, सबमिट करके देखते हैं। तो जैसा कि हमको दिख रहा है, हमारा प्रॉब्लम ये सक्सेसफुली सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो हम क्या इसमें किया, हम आपको फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। तो हमको एक एरे गिवन था, हमको उस एरे में से पीक एलिमेंट फाइंड आउट करके बताना है, ठीक है। तो पीक एलिमेंट उस एलिमेंट को हम कहते हैं जिसका एडजेसेंट एलिमेंट जो है ना, पीक एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जो अपने एडजेसेंट एलिमेंट से ग्रेटर होता है, ठीक है। एडजेसेंट मतलब प्लस, अगर हम जिस एलिमेंट पे खड़े हैं तो उसके जस्ट बगल में लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में
अगर वैल्यू छोटा है और ये जिस एलिमेंट पे हम खड़े हैं वो अगर ग्रेटर है तो यही एलिमेंट हमारा पीक एलिमेंट है। और हमको इसमें क्या कह रहा है, अगर हमको एलिमेंट रिटर्न करने का था ना तो मैक्सिमम जो वेरिएबल का वैल्यू है वो रिटर्न करते हैं, लेकिन ये बोल रहा है कि हमको इंडेक्स चाहिए उसका किसी का भी, राइट। इसमें ये नहीं कहा कि आप स्पेसिफिक पहला जो आपको अकरेंस पीक एलिमेंट का मिल रहा है वो रिटर्न कीजिए। ये एक प्रॉब्लम हो भी सकता है कि आप फर्स्ट ऑकरेंस जो है ना पीक एलिमेंट का उसका इंडेक्स रिटर्न कीजिए, और एक और प्रॉब्लम हो सकता है कि जो पीक एलिमेंट का लास्ट इंडेक्स है ना वो रिटर्न कीजिए। ये दो भी प्रॉब्लम हम इस पर थोड़ा इसको और बिट कॉम्प्लिकेटेड कर सकता है, ठीक है। बेसिकली ये कॉम्प्लिकेट नहीं है, बस थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप इसको समझोगे ना कि हम इसमें कैसे इसको यूज किए हैं तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व हम दूसरे वे से भी कर सकते हैं। एक दूसरा वे है कि आप इसको सिंपली बाइनरी सर्च लगा के भी आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड गुड बाय।